हेलो स्टूडेंट्स इंग्लिश इज फायर फ्रेंड एंड अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज बट ही मस्ट द डैमेज इट कुड कॉज अब पहले के जो आदि मानव थे उन्होंने नहीं पता था कि आग क्या होती है पर उन्होंने आग से जो तबाही होती है वो उन्होंने देखी है ही मस्ट हैव watched द लाइटनिंग एंड वोल्केनो लॉन्ग बिफोर ही बिगन टू यूज फायर हिमसेल्फ उन्होंने लाइटनिंग मतलब कि जो वोल्केनो फटता है तब जो लाइटनिंग होती है वो उन्होंने देखी है किससे पहले कि वो खुद आग को इस्तेमाल करते थे उससे पहले उन्होंने वोल्केनो या फिर लाइटनिंग ये सब देखा है फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वाज फ्राइटेंड अब जो आग है वो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक होती है और उससे जो लोग है आदि मानव वो डरते थे फायर पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अब आग है वो आदि मानव के लिए एकदम पजल थी मतलब कि उन्हें ज्यादा पता नहीं था इस बारे में पर हमें तो पता है कि आग है वो एक रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का वेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्यूल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अब ऑक्सीजन है जो हवा में, वो कंबाइन होता है किस से? तो कार्बन और हाइड्रोजन मेंोसेस और, और इस प्रोसेस में गर्मी और लाइट है वो छुटती है रिलीज होती है एक एनर्जी के फॉर्म में दिस इज वॉट वी कॉल फायर और इसे हम आग कहते हैं

दट इज वाई वेन यू ब्लो अंग टू फ्लेम इसलिए जो हल्की सी चिनगारी लगी हुई होती है उसमें आप फूक मारते हो तो वो आग बन जाती है द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट अब तीसरी चीज जो चाहिए होती है आग लगाने के लिए वो होती है गर्मी यानी कि हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय दम सेल्फ अब जो फ्यूल है और ऑक्सीजन है खुद ही से दोनों मिलके आग नहीं लगा सकते और एल्स न्यूज पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ऑन अगर ऐसा होता कि फ्यूल और ऑक्सीजन अकेले ही आग पकड़ लेते तो जो रस्ते पे लकड़ी और पेपर पड़े हुए होते हैं तो वो जल जाते पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ये दोनों अपने आप से आग नहीं लगा सकते उसके लिए हीट की भी ज़रूरत पड़ती है टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड पीस को या फिर वुड को आग देनी है तो हमें उसे गर्मी देनी पड़ेगी वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच हम जनरली उसे माचिस की तीली से करते है एवरी फ्यूल हेज अ पर्टिक्यूलर टेम्परेचर एट विच इट बिगन टू बन और हर एक ईंधन का एक अपना टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे वो झलना शुरू हो जाता है चर इज कॉल्ड अ फ्लेश पॉइंट और अन्नलिंग टेम्परेचर ऑफ अल उसीचर को हम फ्लैश पॉइंट कहेंगे या तो फिर किनलिंग टेम्परेचर कहेंगे गुड सर्वेंट बट अ बेड मास्टर ऐसा भी कहा जाता है की जो आग है वो एक अच्छी सर्वेंट है पर बहुत बुरी मास्टर है इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज कीप अंडर कंट्रोल ऐसा माना जाता है कि आग है वो बहुत ही यूजफुल है पर जब तक वो कंट्रोल में है तब अगर कंट्रोल के बाहर चली गई तो वो बहुत डेंजरस होती है फॉर इंटेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड वॉम आवर होम इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अब आग का यूज़ कहाँ होता है तो हम उसे खाना पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने घर को गर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बट ऑन दर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस पर अब जब वो कंट्रोल के बाहर हो गए हाथ से बाहर निकल गए आग तो वो बहुत डेंजरस होती है इच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप आर डेमेज बाय फायर हर साल हजारों से हजारों घर और दुकाने हैं वो डेमेज हो जाती है आग की वजह से वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड अब जो फॉरेस्ट का जो वास्ट एरिया बड़ा एरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है आग लगने की वजह से और पीपल है वो भी आ, मर जाते हैं या फिर तो फिर घायल हो जाते हैं आग की वजह से जस्ट थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर देर आर थ्री मेन वेस इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट अब जैसे कि तीन चीजें हैं आग पकड़ने के लिए वैसे ही तीन चीजें हैं आग को बुझाने के लिए इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे अब उन तीन चीजों में से एक चीज को अगर हटा दिया जाए तो आग नहीं लगेगी फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन नो बर्निंग कैन टेक प्लेस फॉर एग्जाम्पल अगर हम आग पकड़ने के लिए फ्यूल हीट और एयर चाहिए होती है ऑक्सीजन चाहिए होता है तो उसमें से हम फ्यूल को हटा दें तो आग नहीं लगेगी जैसे फायर के लिए फ्यूल ऑक्सीजन uh, और हीट चाहिए होती है तो उसमें से हम फ्यूल को हटा देते हैं तो आग नहीं लगेगी वी ओफन लेट फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर इट अब जैसे थोड़ी थोड़ी मतलब कि आग लगी हुई है हम उसमें ऑयल डालते हैं तो अब उस आग को बुझाने के लिए उस आग को कम करने के लिए हम उसे ऑयल डालना बंद कर देते हैं तो क्या होगा अगर फ्यूल उसमें ऐड नहीं करेंगे तो फिर आग ज़्यादा नहीं लगेगी द of वे ऑफ पुटिंग आउट is फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन इट अब दूसरा तरीका ये है, फायर को आ, बुझाने का कि उस उस जगह पे हम ऑक्सीजन को ना पहुंचने दे नो ऑक्सीजन मीन नो फायर मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो फायर भी नहीं होगी स्मॉल फाइबर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विथ अ डेम्प ब्लैक और से जैसे कि छोटी छोटी आग लगी हुई है तो उसमें हम गीला ब्लैंकेट डाल देते हैं तो फिर आग बुझ जाएगी दिस स्टोब ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। अब जब हम उस पर गला ब्लैंकेट डालते हैं तो वो जो है उस आग में ऑक्सीजन को पहुंचने से रोकता है तो उस बर्निंग मटेरियल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू डिसंटीग्रूज फायर अब आ, कुछ बार कैसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें बहुत यूजफुल होता है आग को बुझाने के लिए इट डक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल ये जो कार्बन डाइ ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को बर्निंग मटीरियल तक पहुंचने से रोकता है दर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू रिमूव द हीट अब तीसरा रास्ता ये है आग को बुझाने का की उस तक हीट ना पहुंचने दे इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोथ डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टोव बर्निंग अब जो मैंने जैसे बताया कि हर फ्यूल का एक टेम्परेचर होता है जिसे हम फ्लैश पॉइंट या तो फिर किनलिंग टेम्परेचर कहते हैं तो उस फ्लैश पॉइंट से अगर हम टेम्परेचर नीचा कर दें उससे तो है जो फ्यूल है वो बर्निंग मतलब कि जो ईंधन है वो जलना बंद हो जाएगा यू ब्लो अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट जैसे कि हम मैच स्टिक है या फिर कैंडल है उसको बुझाने के लिए हम जोर से फूक मारते हैं बस वैसे ही इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट अब ऐसे करके हम जो गर्म हवाएं होती है हम उसको फ्लेम से आ, साइड कर देते हैं और उसका टेम्परेचर है वो फ्लैश पॉइंट से नीचे गिरा देते हैं समटाइम वोटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर अब कुछ बार कैसा होता है कि फायर पे हम लोग पानी डालते हैं इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोवर द टेम्परेचर अब ये जो है वो आ, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका टेम्परेचर लो कर देता है दिस ब्लैंकेट ऑफ वॉटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज डिस अब जो हम गीला ब्लैंकेट डालते हैं उसमें तो ये हो, ये ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है जब ऑक्सीजन ही बर्निंग मटेरियल तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर आग बंद हो जाएगी सम कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑल फायर द ऑयल विल float टू अ टॉप ऑफ द वॉटर एंड कंटिन्यू टू बर्न अभी कुछ आग ऐसी होती है जिसमें हम पानी नहीं डाल सकते क्योंकि वो आग है वो ऑयल से लगी हुई होती है जैसे कि हम जानते हैं कि हम ऑयल में पानी डालेंगे तो पानी जल्दी से बह जाता है तो वो ऑयल है वो भी पानी के साथ बह जाएगा और उस आग को फैला देगा दिस कैन be वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली अब ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि पानी है वो जल्दी से बह जाता है केरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग उसके साथ वो बर्निंग ऑयल भी लेता जाता है जिसकी वजह से आग है वो स्प्रेड हो जाती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और पानी है वो ऐसी आग पर भी नहीं छिड़कना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक अप्लाय से लगी हुई हो दर्स स्प्रेंग वॉटर माइट रिसिव एंड इलेक्ट्रिक शॉक एंडेल अब ऐसा करने से जो uh, इंसान पानी डाल रहा है वो पानी आ, पानी से उसको करंट लग सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है अ कार्बन डाइऑक्साइड द बेस्ट थिंग टू तो फाइट एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस अब जो इलेक्ट्रिकल फायर लगती है उसको बुझाने का एक बेस्ट तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाए वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर हम मिलियन ऑफ रुपीज हर साल खर्च करते हैं कि uh, आग से हम बच सके आग, आग से लड़ाई करने के लिए हम मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर देते हैं एन वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल और हम बहुत सारे रूपये उसमें भी खर्च करते हैं कि ये कि नए नए तरीके कैसे हैं जिसे हम फायर से बच सके और जब फायर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे किस तरह से रोक सके ऑन द होल वी हैव लर्न रदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट पुट इट टू गुड यूज इन अवर एवरीडे लाइफ अब इन सब में से हमें यह तो पता चला कि जब फायर अगर कंट्रोल में हो तो उसे हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते अपने रोजिंदी जिंदगी में लोंग अगो देर वॉज नो फायर मैन वैन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकम्स अ फायर फाइटर अब पहले के ज़माने में न फायर मैन नहीं हुआ करते थे तो जो लोग है वो खुद ही आग लगती है तो खुद ही फायर फाइटर बन जाते थे पीपल फॉर्म द ह्यूमन चेन एंड पास द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल और अ पॉन टू ब्लेज अब लोग क्या करते हैं कि अब जब आग लगती थी तो वो ह्यूमन चेन बना लेते थे मतलब कि जहाँ आग लगी है वहां से लेके कोई नदी तक या तो फिर तालाब तक वहां तक चेन बना लेते थे देखो ऐसे अगर आग लगी है तो ये ऐसे ह्यूमन चेन बना लेते थे जो पोड के पास या तो रिवर के पास खड़ा रहता था वो बकेट पास करता है और जहां आग लगी हुई होती है वहां तक पहुंचाते हैं आर लोज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूज अ फायर रिस्क अब ऐसे कायदे कानून भी आ गए हैं कि जब आप बिल्डिंग बना रहे होते हो तो दो बिल्डिंग के बीच में एक इनफ स्पेस होनी चाहिए जिसकी वजह से अगर फायर लगे तो ज्यादा नुकसान ना हो एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली पब्लिक प्लेस मस्ट इंज्योर ऑब्जर प्रिवेंशन नॉर्म्स अभी जो पब्लिक प्लेस पर जो बिल्डिंग बनती है अगर वहाँ आग लगती है तो वहां परिवेंशन नॉर्म्स भी किया जाता है जिसकी वजह से जो ये लोग है वो आग से बच सकते हैं बेंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज अ फायर ब्रिगेड आर देर टू पुट आउट फायर अब जो ग्रुप होता है एक फायर फाइटर वर्कर का जो अपने स्पेशल इक्विपमेंट यानी कि साधनों के साथ आते हैं जिसे हम फायर ब्रिगेड कहते हैं ये जो है आग लगती है तो उसे बुझाते हैं फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल अब जो फायर फाइटर्स होते हैं उसको बहुत ट्रेन किए गए होते हैं दे पोजेस मैनी स्किल्स उनके पास बहुत सारी कलाएँ होती है स्किल होती है आग को बुझाने के लिए दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नोक डाउन डेंजरस वॉल्स स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल अब वो लोग क्या करते हैं uh, पहले ही आते इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर देते हैं फिर जो दीवाले होती है जो वो उनको रोक रही होती है तो वो दीवालों को भी गिरा देते हैं फिर पानी छिड़कते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि एक फायर फाइटर एक uh, आग को कंट्रोल करने में करते हैं दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड अब वो जो फर्स्ट एड होता है मतलब कि कोई लोग इंजर्ड हो गए होते हैं तो उसे कैसे ठीक करे तो उनकी भी ट्रेनिंग उसको दी जाती है दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक अब उसको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो लोगों को जले हुए हो तो उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको जो धुआं हुआ होता है तो उनको भी वो रोक सकते हैं जो धुआं धुआं हो जाता है आग लगने की वजह से तो वो उसे पे कंट्रोल करने में बहुत माहिर होते हैं द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज हेल्प्ड अर्ली मैन टू कॉप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडोप्ट सेटल मोड ऑफ लाइफ अब जो फायर की डिस्कवरी हुई है वो उससे ये जो आदि मानव है उनको बहुत हेल्प मिली है और वो नेचर के साथ एकदम से घुल मिल गए हैं और जो एक लाइफ होती है वो फायर के साथ सेटल कर ली है उन लोगों ने फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड अब दुनिया में ऐसे कई हिस्से है जहाँ पे फायर की पूजा होती है फायर इज नीडेड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल हम जानते हैं कि आग है वो अपनी दोस्त है पर अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी होती है तो यहाँ ये यह हमारा चैप्टर खत्म होता है थैंक यू